भारतीय स्त्रियों में जो सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर, और दूसरा होता है गर्भाशय मुख का कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर। मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तनों का कर्क रोग के जल्दी दिखाई देने वाले लक्षणों के बारे में। वैसे देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ही कॉमन है, लेकिन अभी देखा गया है भारतीय स्त्रियों में जो सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर, और दूसरा होता है गर्भाशय मुख का कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर। तो आजकल ये क्यों बढ़ा है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला है हमारे जीवन शैली में बदलाव। अभी देखा जाए तो भारतीय महिलाओं की जीवन शैली बदल गई है, वो ज्यादा मॉडर्न हो गई है। ये लाइफस्टाइल की वजह से ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस बढ़ गई है। जो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर होते हैं यानी कि जिनमें उच्च जोखिम हो सकती है, वो रहता है कि पहले स्त्री होना। पुरुषों के कंपैरिजन में स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। जब हमारी उम्र ज्यादा रहती है तो भी ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा पाया जाता है। वैसे ब्रेस्ट कैंसर हमारे बच्चों की संख्या पे भी निर्भर होता है। जितनी बच्चों की संख्या हमारी कम रहती है या बच्चे नहीं रहते तो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। अभी इंडिया में भी देखा गया है महिलाएं काम करने लगी है और उसके साथ उनकी मैरिज की उम्र बढ़ चुकी है। मैरिज भी कभी जल्दी हो जाता है लेकिन बेबी कंसीव करने के लिए वो थोड़ा सा समय लेते हैं, यानी कि लेट एज में मैरिज और लेट एज में बेबी पैदा करना, ये भी ब्रेस्ट कैंसर का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। आजकल ऐसा भी देखा गया है कि हम बेबी डिलीवर करते हैं लेकिन स्तनपान नहीं कराते। जिन माओं ने स्तनपान नहीं कराया है या बहुत ही कम कराया है उनमें भी देखा है कि ये ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। बाकी जो फैक्टर्स रहते हैं उसमें हम ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, फ्रेश फूड नहीं खाते, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, तो ये भी एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है और ये ब्रेस्ट कैंसर होने में मदद करता है। वैसे देखा जाए तो हमारे जीवन शैली में व्यायाम का अभाव होना या व्यायाम हम नहीं करते, ये भी ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ाता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी है जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो मॉडिफाई नहीं करने वाली यानी कि जो चीज़ें हम बदल नहीं सकते वो है जेनेटिक फैक्टर। हमारे जीन्स के थ्रू भी हमारे ब्रेस्ट का कैंसर का इंसिडेंस बढ़ने के चांसेस रहते हैं। कुछ ऐसे जीन्स रहते हैं जो हमारे शरीर में रहते हैं, जो फैमिलीज में आते हैं, हेरिडिटरी आते हैं और हमारा ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे देखा जाए माँ में जब ब्रेस्ट कैंसर रहता है, बहन में रहता है, मासी में रहता है, तो हमें भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करना है, स्क्रीनिंग टेस्ट करने हैं। वैसे देखा गया है हमारी माँ में, बहन में, मासी में या मेटरनल साइड में जब ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस रहता है तो हमें भी वो रिस्क होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अभी हम जानेंगे ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली लक्षण क्या हो सकते हैं, शुरू की जो लक्षण रहती है वो क्या होती है। जब ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत होती है तो एक्चुअली हमें कुछ भी फील नहीं होता, यानी कि लक्षण नहीं दिखाई देती। जब लक्षण दिखाई देती है तब तक ये ब्रेस्ट कैंसर अगली स्टेज पे यानी कि स्टेज टू स्टेज थ्री पे पहुंच जाता है। लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण होती है उनमें हमारे स्तन में गठान आना या गांठ होना, ये ब्रेस्ट कैंसर का पहला लक्षण हो सकता है। हमारे स्तन में एक गांठ लगती है, वो फर्म या हार्ड गांठ रहती है और वो हिलती नहीं है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण रहता है और हम इसको थोड़ा इग्नोर करते हैं क्योंकि शुरू में ये दर्द नहीं करता। जब ये दर्द नहीं करता तो हमसे ये छूट जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
कभी निपल से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। ये डिस्चार्ज कभी वाइट रहता है, कभी रेड रहता है, कभी हरा रहता है। जब इस टाइप का डिस्चार्ज हमारे निपल से आता है तो भी हमें जागरूक रहना चाहिए। कभी निपल्स के आकार में बदलाव आ जाते हैं, वो निपल्स अंदर खींचे जाते हैं, ये भी स्तन के कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। हमारी जो ब्रेस्ट की स्किन रहती है उसका कलर चेंज हो जाता है। हमारे ब्रेस्ट की स्किन का कभी कभी कलर चेंज हो सकता है, वो संतरे के छिलके जैसी कभी दिखाई देने लगती है, लेकिन ये बहुत ही लेट स्टेजेस में दिखाई देती है। जब ब्रेस्ट कैंसर जल्दी पकड़ में आ जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, लेकिन ये पकड़ने में थोड़ी देरी हो गई तो ये जानलेवा हो सकती है। इसीलिए हमें बहुत ही सतर्क रहना है, जागरूक रहना है और हमारी मंथली खुद की ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करनी है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। जब हमारा मासिक चक्र खत्म हो जाता है उस दिन ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना सबसे सही दिन रहता है। मिरर के सामने खड़े रह के हमें अपने दोनों ब्रेस्ट की शेप देखनी है, साइज देखना है, तो हमें हाथों से चेक करना है और देखना है कि हमारे स्तन में गठन है या नहीं। जब हमें थोड़े भी चेंजेस महसूस होते हैं, ब्रेस्ट में डिस्चार्ज आता है, ब्रेस्ट का साइज अनइक्वल हो जाता है, हाथों को गठन फील होती है, तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। जब आपकी उम्र 40 से कम रहेगी तो डॉक्टर आपको सोनोग्राफी करने के लिए कहेंगे, जिसको हम सोनोमैमोग्राफी कहते हैं। ब्रेस्ट की सोनोग्राफी होती है, वो सोनोग्राफी में पता चलता है कि आपके स्तन में गांठ है। जब आपकी उम्र 40 से ज़्यादा रहती है तो डॉक्टर आपको मैमोग्राफी करने के लिए बोलेंगे और मैमोग्राफी में भी हमें स्तनों का कैंसर पकड़ में आता है। 40 के बाद हमें हर साल स्तनों की मैमोग्राफी करवानी है और ये मैमोग्राफी में स्तन का कैंसर होने से पहले भी हम प्री कैंसरस लीजन पकड़ सकते हैं और इस स्टेज में जब इसको पकड़ते हैं तो हमारी ट्रीटमेंट कंप्लीट होती है। उसको ट्रीट करने के बाद हम पूरी जिंदगी अच्छी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन हमारी आयु जब 40 से नीचे रहती है तो हर महीने पीरियड खत्म होने के बाद हमें ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करनी है और थोड़े भी चेंजेस हमें दिखाई देते हैं तो हमें ब्रेस्ट की सोनोग्राफी करनी है। जब सोनोग्राफी पे या मैमोग्राफी पे गठान दिखाई देती है तो डॉक्टर आपको इसकी बायोप्सी करने के लिए बोलेंगे। कभी कभी ये नीडल से बायोप्सी होती है, कभी कभी ये ट्रू कट बायोप्सी होती है, उसके लिए पूरी बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम टाइम टाइम पे अपनी गाड़ी का सर्विसिंग करते हैं, हम ये नहीं सोचते हमारे गाड़ी में अभी कुछ तकलीफ नहीं है तो हमें सर्विसिंग नहीं करनी चाहिए, बिना कुछ प्रॉब्लम के भी हम गाड़ी का सर्विसिंग करते हैं, लेकिन हम अपने खुद के बॉडी का सर्विसिंग नहीं करते। हम राह देखते हैं कब हमें तकलीफ होगी और फिर बाद में डॉक्टर के पास जाएंगे या जांचें करेंगे, लेकिन ये हमें बदलना है। हमें खुद की तरफ बहुत ही जागरूक रहना है और हमें रेगुलरली स्क्रीनिंग टेस्ट करवाने हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान कुछ सिम्टम्स आने से पहले जब ये ब्रेस्ट कैंसर पकड़ में आता है तो उसकी ट्रीटमेंट कंप्लीट होती है। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें जरूर लिखिए और हमारे ये गायनिक प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी IVF रिलेटेड वीडियो जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।